Hey, hello everybody, welcome back with a new video. मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हम सबके YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी. गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड कम्युनिटी चैनल इंडेक्स स्ट्रैटजी के बारे में. ये जो नाम है, जितना सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, स्ट्रैटजी इंप्लीमेंटेशन में उतनी ही आसान है. बहुत आसानी से आपको समझ आएगी अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं. बहुत अच्छी स्ट्रैटजी है और हाल ही के टाइम पे बहुत अच्छा वर्क करिए. जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, स्ट्रैटजीज परमानेंट नहीं होती हैं, वो आपको टाइम टू टाइम चेंज करनी रहती है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशंस. तो आज सबसे पहले बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की, कैसे हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे ग्राफ के साथ. इंडिकेटर्स के सेक्शन पे आपको जाना है, यहां पे आपको सर्च करना है EMA और डबल क्लिक करना है. आपके पास दो EMA सेलेक्टेड आ जाएंगे. यहां पे आपको जो पेंसिल का निशान है इस पे क्लिक करना है. फर्स्ट EMA जो है उसकी वैल्यू यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है उसको 40 सेलेक्ट कर लेना है. कलर मैं आपको प्रेफर करूंगा यहां पे ग्रीन, आप चाहें जो रख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी आपको जो सुटेबल रहेंगे वो ग्रीन कलर रहेगा 40 पे. और जो सेकंड EMA है इसको भी आपको कस्टमाइज करना है. इसका जो टाइम पीरियड है वो 80 आपको कर देना है और जो कलर है वो यहां पे मैं रेड रखने वाला हूं. आपकी चॉइस है, आप जो भी रखें. उसके बाद आते हैं CCI पे. तो यहाँ पे आपको नीचे जाना है इंडिकेटर्स के सेक्शन में और CCI को सर्च करना है. CCI को अप्लाई कर देना है अपने चार्ट के ऊपर और जैसे आप देख पा रहे हैं ये पेंसिल का निशान, इस पर आपको क्लिक करना है और CCI की जो टाइम पीरियड है इसको आपको 20 से 21 कर देना है और कलर आप जो चाहे रख सकते हैं. मैं अभी फ़िलहाल के लिए येलो रख रहा हूँ, ठीक है. ये जो स्ट्रैटेजी है हमारे चार्ट पे अप्लाई हो चुकी है. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की. तो ग्राफ का जो टाइम पीरियड है मैंने यहाँ पे 5 मिनट रखा हुआ है. आप चाहे तो इसे 1 मिनट भी रख सकते हैं. ये 1 मिनट से आप 1 घंटे के टाइम पीरियड के बिटवीन आप कोई भी रख सकते हैं, डजंट मैटर. लेकिन आपको जो ट्रेड लेनी है वो नेक्स्ट 5 कैंडल्स के लिए लेनी है. ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है. मतलब सिंपल और आसान भाषा में आपको बताता हूँ, अगर आपने 1 मिनट का टाइम पीरियड सेलेक्ट किया हुआ है कैंडल्स के लिए, तो आपको जो ट्रेड लेनी है वो 5 मिनट्स के लिए लेनी है. अगर आपने 5 मिनट का टाइम सेलेक्ट किया हुआ है कैंडल्स के लिए, तो आपको जो ट्रेड लेनी है वो 25 मिनट के लेनी है. जैसा कि आप यहां पे चेक कर पा रहे हैं लाइव ग्राफ पे, मैं लाइव अकाउंट से लॉगिन हूं, आप चेक कर सकते हैं. अब आपको बताता हूं यहां से आप बाय और सेल की जो कॉन्फर्मेशन है वो कैसे ले सकते हैं. दोस्तों, बाय के कॉन्फर्मेशन के लिए EMA 40, EMA 80 के अबव होना चाहिए. तो सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल हमेशा से ही सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझाने के लिए जाना जाता है. तो ये ग्रीन कलर की लाइन है, मैंने आपको बताया था कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है. आपको जो सुटेबल लगता है वही कलर आप सेलेक्ट करो. बट इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि EMA 40 को आप ग्रीन कलर में रखो और EMA 80 को आप रेड कलर में रखो. क्यों, ये आपको समझ आ जाएगा ड्यूरिंग द स्ट्रैटेजी. तो यहां पे आप ग्रीन कलर की कैंडल को देख रहे हैं रेड कलर की कैंडल के ऊपर, तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्फर्मेशन रहेगा. चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सेकंड कॉन्फर्मेशन की, जो कि है CCI. यहां पे आप येलो कलर की एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं. तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये 0 से +100 लेवल को क्रॉस करना चाहिए फ्रॉम बिलो. जी हाँ, चलिए मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करता हूं. तो ये जो लेवल है आप देख सकते हैं, ये 0 लेवल है, ये 100 लेवल है. हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो 100 का लेवल है यानी सबसे ऊपर ही ऊपर का जो लेवल है इसको क्रॉस करनी चाहिए ऊपर की तरफ. इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन है इसमें हम सिग्नल ले सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में नेक्स्ट फॉर 5 कैंडल्स. चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे 100 यानी -100 को टच किया है, उसके बाद ये ऊपर जाता है 0 लेवल पे. 0 लेवल से ये कैसा भी फ्लक्चुएशंस रहे इससे हमें मैटर नहीं करता है, लेकिन ये क्रॉस कर देता है हमारे 100 लेवल को. तो हमें जो ट्रेड लेनी है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेनी है. मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं इस कैंडल की ओपनिंग पे, यानी कि यहाँ से इस कैंडल की ओपनिंग हुई थी, इस पर्टिकुलर कैंडल की ओपनिंग से हमें ट्रेड लेनी है नेक्स्ट फॉर 5 कैंडल्स के लिए, 5 कैंडल के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अप, यानी कि बाय सिग्नल के लिए, यानी कि हमें कॉल की एंट्री लेनी है. तो हमें जो ट्रेड लेनी है वो इस पर्टिकुलर कैंडल पे लेनी है. अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं इसकी ओपनिंग पे, तो नेक्स्ट 5 कैंडल्स के लिए अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है, ऊपर है, तो डेफिनेटली ये जो ट्रेड है हम विन करते. लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि रैपिड सिग्नल्स आपको यहाँ पे नहीं लेने हैं. यानी कि देखेंगे आप रैपिड की तरह, मैं समझाता हूँ कैसे रैपिडली. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल मिला. ये जो ट्रेंड लाइन है येलो कलर की, अगर ये थोड़ी सी नीचे आके फिर से ऊपर चली जाती है प्लस 100 लेवल को क्रॉस कर देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दोबारा बाय की एंट्री लेनी है. जब तक वो -100 को टच करके वापस +100 तक नहीं आ जाती है लेवल तक, तब
तक हमें ट्रेड नहीं लेनी है। चलिए अब सेल कॉन्फर्मेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल कॉन्फर्मेशन के लिए, सेल कॉन्फर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि रेड कलर की जो लाइन है यानी ईएमए 80 ये अबव होनी चाहिए ईएमए 40 से, मतलब ये जो रेड कलर की लाइन है ये ग्रीन कलर की लाइन से ऊपर होनी चाहिए, तब हम जो लेंगे वो लेंगे सेल एंट्री यानी कि पुट, नीचे की तरफ हम ट्रेड लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर अगर पॉइंट पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमें एक कॉन्फर्मेशन मिल गया है हमारी ईएमए की तरफ से। अब दूसरा कॉन्फर्मेशन हम लेते हैं सीसीआई की तरफ से। CCI में सेम सिचुएशन उल्टी है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो प्लस 100 से माइनस 100 की तरफ जाना चाहिए और जीरो लेवल से माइनस 100 के लेवल को क्रॉस करना चाहिए। तो दोस्तों इस सिचुएशन के हिसाब से हमें जो ट्रेड लेनी है वो यहाँ पे ट्रेड लेनी है, जैसे सेकेंड यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर कैंडल की अगर हम क्लोजिंग पे यानी कि यहाँ पे ट्रेड लेते नेक्स्ट 5 कैंडल्स के लिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो हम विन करते, यानी कि 25 मिनट्स की अगर मैं ट्रेड लेता तो डेफिनेटली विन करता इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो कि अभी मैंने दो सिचुएशन आपको दिखाई है। लाइव करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइव सिनेरियोज में एकदम से सिग्नल मिलना आसान नहीं होता है, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है अगर आपको अच्छे सिग्नल चाहिए तो आपको वेट करना मैंडेटरी है। दो कॉन्फर्मेशन मैंने बताया बाय का और सेल का, और अगर आप ग्राफ को पीछे लेके जाते हैं तो भी आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे बाय एंड सेल कॉन्फर्मेशन के, जैसा कि आप यहां पे भी चेक कर सकते हैं। यहां पे आप सेल कॉन्फर्मेशन के लिए इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड लेते, यानी कि अगर आप यहां पे ट्रेड लेते हैं फॉर नेक्स्ट 5 कैंडल्स, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन है वो मेट कर रहा है, तो आप विन करते डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ऐसे ही अगर आप जाएंगे पीछे बाय कॉन्फर्मेशन के लिए भी तो भी आपको काफी सारे सिग्नल्स मिल जाएंगे। देखेंगे यहां पे ईएमए 40 जो है हमारा वो ईएमए 80 के अबव है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जो ट्रेड लेनी है वो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लेनी है। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने के लिए आपको जो सिनेरियो समझाए थे वो नीचे मेट नहीं करते हैं, तो इस सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं लेनी है। तो हमें सीसीआई की कॉन्फर्मेशन मैंडेटरी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। करेंसी पेयर आप कोई भी चूज कर सकते हो, जो भी आप चाहो। वर्किंग एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दी है लेकिन काफ़ी अच्छी काम कर रही है, ये चीज़ मैं ज़रूर नोट के साथ बताऊंगा। अगर आपने यूज़ नहीं की है तो ज़रूर यूज़ करें स्ट्रैटेजी को, ट्राई करें। अच्छी लगती है तो कमेंट, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होना गाइस, तो ज्वाइन हो जाओ, किसका वेट कर रहे हो। सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलती हैं। और एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।